हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, जहां पर आप परमानेंट आपके ये जॉब रहने वाली है, वो भी आपकी वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है और इसमें आपको 100% रिवर्ट आने वाला है। विद इन 7 डेज में आपकी इसमें डायरेक्टली सिलेक्शन होने वाली है। सो कौन सी कंपनी की तरफ से ये अपडेट आया है, क्या क्या जॉब अपडेट आ चुका है, मतलब कौन कौन सी प्रोफाइल रहने वाली है, क्या आपका इसमें वर्क रहने वाला है, अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई का प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी इसमें रहने वाला है, तो प्रॉपर स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया विद इन 7 डेज में आपके इसमें रिवर्ट आने वाला है। तो आप स्टेप बाय स्टेप देख लेना कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, कैसे आपकी सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग होने वाली है, हर चीज को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आपने वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना है। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी बहुत सारी डिपार्टमेंट है जिनकी वैकेंसीज आउट की जा चुकी हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.glory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, आप देख भी पा रहे हैं, गूगल पर टाइप करेंगे तब भी आपको साइट मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बात करेंगे लेटेस्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये आपकी परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है। सो इसमें कोई फ़ी पे नहीं करनी है, किसी टाइप की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो सारे कैंडिडेट आप में से इसके लिए एलिजिबल है और इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं रहने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसमें अप्लाई करना होगा और 100% आपको इसमें रिस्पॉन्स मिलने वाला है और 100% ये आपकी वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है। कोई लोकेशन का बैरियर नहीं, आप किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, इसमें ये भी बेनिफिट आपको मिलता है, फिक्स सैलरी आपको इसमें मिलने वाली है। आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। अगर फुल टाइम कर सकते हैं तो आपको मंथली इसमें 30,000 तक अर्न कर सकते हैं। अगर आप 4 आवर्स करते हैं तो यहाँ पर आपको 15,000 पर मंथ मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ चुकी है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी है इंडिया मार्ट। काफ़ी टाइम के बाद इंडिया मार्ट की तरफ से ये अपडेट आया है। आई थिंक आज से 7 to 8 मंथ पहले भी मैंने आपको इंडिया मार्ट के 2 अलग अलग जॉब अपडेट बताए थे अलग अलग वीडियोस में। जैसे मैंने सब्सक्राइबर्स को बताया था वैसे ही उन्होंने अप्लाई किया था और उनको रिस्पॉन्स भी आया और आज भी वो वहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया ये परमानेंट आपकी वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर प्रोफाइल की बात करें तो टैली एसोसिएट सेल्स कंटेंट एनरिचमेंट की वैकेंसीज है ये जो आउट की जा चुकी है। अगर हम यहाँ पर वर्क की बात करें तो यहाँ पे आपका मल्टी वर्क रहने वाला है। मतलब क्या है कि इसमें आपका डेटा एंट्री का वर्क रहने वाला है। बेसिक अगर मैं आपको यहाँ पे वर्क बताऊँ तो आपको कॉल पे बात करना है, ठीक है, सुन के आपको एक डेटा टाइप करना होगा, जो जो आप उनसे बात कर रहे हैं, इनके जो कस्टमर है या क्लाइंट है, वही चीज़ बस आपको यहाँ पे टाइप करनी होगी। ये बेसिक आपका वर्क इसमें रहने वाला है। अब कॉल पे बात आप सोचेंगे किन से करनी होगी, तो इंडिया मार्ट के जो भी कस्टमर है, क्लाइंट है या जो उनके सेलर्स है, उनके साथ इन बस आपको बात करनी होगी, ठीक है। आपको इंडिया मार्ट प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, इनके बेनिफिट के बारे में बताना है। अगर वो इंडिया मार्ट के साथ जुड़ते हैं क्या क्या उनको बेनिफिट रहने वाले हैं, हर चीज़ आपको उनको बस बतानी है। ये सिंपल सा आपका वर्क है और उनकी कोई भी क्वेरी है उनको आपको बस रिजॉल्व करना है, वही चीज़ें बस आपको बस टाइप कर देनी है। तो ये सिंपल सा आपका इसमें वर्क रहने वाला है, कोई टारगेट बेस्ड जॉब नहीं है। आप सोच सकते हैं इसमें आपका कस्टमर सर्विसेज का वर्क भी है और डेटा एंट्री दोनों का ही वर्क रहने वाला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको कॉल पर बात करनी है या आपको सिर्फ डेटा एंट्री का ही करना है, तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए, आपको इसके लिए जरूर से अप्लाई करना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए मैं आज बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आ चुकी हूँ, जो कि री लेवल की तरफ से आ चुकी है, जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमिक काउंसलिंग सेशन के लिए साइन अप कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं। आपको बेस्ट इंडस्ट्रीज के प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे, उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको करियर ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। फ्री री लेवल टेस्ट आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, जहां पे कंपनीज की बात करूँ तो कीका है, स्विगी है,
Xiaomi है एंड 800 प्लस कंपनीज है जो इसमें इन्वॉल्व है, तो आपकी भी इस कंपनी में जॉब लग सकती है। इसके अलावा टेस्ट जो आपका रहने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए रहने वाला है। इसके अलावा जो इनके कोर्सेज है वो पेड रहने वाले हैं, और मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या इनके कोर्सेज हिंदी में अवेलेबल है। बिल्कुल है, इनके कोर्सेज हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में तो है ही, तो वहाँ से आप कोर्सेज को परचेज करके अपनी तैयारी करके साइनअप कर सकते हैं टेस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, कंपनी सामने से आपको अप्रोच करेंगी और आपकी बहुत बढ़िया कंपनी में जॉब लग जाती है जिसमें 44 लाख पर एनम तक का पैकेज भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, विजिट करके आप जल्दी से इसके लिए साइनअप कर लेना। चलिए बात करें हम लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में। सो जो इंडिया मार्ट के सेलर्स होते हैं ना, उनके पास उनका डैशबोर्ड किस तरीके से उनको शो होगा वो सारी चीज़ें बस आपको उनको बतानी होगी, ठीक है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर एक डैशबोर्ड होता है क्या क्या चीज़ें किस तरीके से सेल हो रही है, हर चीज़ मतलब वहाँ पर होती है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कस्टमर सर्विस, इस पर डेटा एंट्री का आपका इसमें वर्क रहेगा, कोई टारगेट किसी टाइप का नहीं आपको रहने वाला है, कंप्लीट ट्रेनिंग आपको इंडिया मार्ट की तरफ से इसमें प्रोवाइड की जाने वाली है, तो आपको इसमें अप्लाई ज़रूर से करना होगा। इसके अलावा इंडिया मार्ट के जो कैटलॉग है वो आपको अपडेट भी करने होंगे, ठीक है। और इसमें देखिए प्योरली ये आपकी रिमोट जॉब रहने वाली है, क्लियरली मेंशन किया है 0 से 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एनी फ्रेशर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मिनिमम आप 3 to 4 आवर वर्क कर सकते हैं, फुल टाइम का मैंने आपको बताया ये आपको कितनी सैलरी इसमें मिलने वाली है। किसी टाइप की कोई हाई फाई इंग्लिश यहाँ पे आपको नहीं चाहिए, आपको अपनी लोकल लैंग्वेज आती है अप्लाई इसके लिए ज़रूर से आपको करना होगा। अब इसमें बात आती है अप्लाई कैसे करना है, तो इसमें अगर अप्लाई की बात करें टोटल आपके 12 प्लस पेजेस इसमें रहने वाले हैं अप्लाई करने के लिए, तो हर स्टेप में आपको प्रॉपर स्क्रीन शेयर करके बताने वाली हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आपको कंप्लीट बताऊंगी कैसे आपकी इसमें सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग होने वाली है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनकी ऑफिशियल साइट पर, वहाँ पर चलकर बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो इस प्रोसीजर को आपको ध्यान से समझ लेना है, यहाँ पे देखिए पेज 1 of 11 कैसे अप्लाई करना है, हर एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा समझनी जरूरी है। ये सेल्स से रिलेटेड जॉब आपकी नहीं है, हर चीज़ उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, कहीं आप ऐसा ना सोचो कि आपको वो सेल करना है, सिर्फ आपको उनको कन्वेंस करना होगा इंडिया मार्ट के जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में, मतलब वो आपके साथ जुड़े, मीन्स अगर वो इंडिया मार्ट के साथ जुड़ते हैं उनको क्या फ़ायदा होगा। देखो आपकी वर्क फ्रॉम होम रहने वाली है, सीधा इनके ऑफिशियल साइट पे ही है, हम 20,000 आपके पर मंथ सैलरी रहने वाली है। हर चीज़ उन्होंने प्रोसीजर यहाँ पर मैंशन किया, आपको सबमिट करना है पहले फॉर्म को, उसके बाद उन्होंने हर चीज़ मैंशन किया, आपको एक स्मॉल सा टेस्ट देना होगा, एक आपको वीडियो बना के भेजनी होगी जो कि स्पेसिफाइड फॉर्मेट में होगी, आगे दिखाऊंगी आपको, उसके बाद ही जैसे आपकी सिलेक्शन होती है उसके बाद आपको इनको डॉक्यूमेंट्स देने, आपके सीधा ज्वाइनिंग होने वाली है। अब सबसे पहले यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, आपको पहले इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा पर्सनल डिटेल्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं फ्रॉम वेयर डिड यू हेयर अबाउट दी जॉब, आपने जॉब के बारे में कहाँ से सुना, इंडिया मार्ट के करियर पेज से सुना, नौकरी से सुना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अदर्स, जो भी ऑप्शन आप चाहो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कंप्लीट नेम मेंशन करना है, मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी आपको मेंशन करनी होगी, आप किस एज ग्रुप में आते हैं, 18 से कम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपकी एज 18 to 21 के बीच में है तो यहाँ, 22 से 25 के बीच में तो यहाँ सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद 26 टू 29 के कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर क्लिक करेंगे, 30 टू 35 कैंडिडेट यहाँ पर, 35 प्लस भी एलिजिबल है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हर एक लोकेशन के लिए वैकेंसीज आई हुई है, आप जो भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लेना, जैसे मैंने आप पंजाब सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे योर आंसर मेंशन करना है, आप पंजाब में आप किस सिटी से हो वो सिटी यहाँ पर हमें मेंशन करनी होगी, जैसे आप जिस जगह की हो वहाँ पर आपको वो चीज़ मेंशन करनी होगी। अब मैरिटल स्टेटस मेंशन करना है, आप मैरिड है या अनमैरिड है, अगर मैरिड है तो क्या आपके किड्स है, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं आर यू स्पेशली या फिर डिफरेंटली एबल्ड, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। कौन सी लैंग्वेज आप जो है वो आप करेक्टली स्पीक कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हिंदी है तो हिंदी पे सेलेक्ट करना, इंग्लिश है तो इंग्लिश, अगर कोई अदर है तो अदर पे सेलेक्ट करना, जैसे तमिल तेलुगु गुजराती ये अलग के लिए हैं, कोई इसके अलावा भी कोई और तो आपको अदर पे सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आप इंग्लिश या फिर हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कर लिया यहाँ पे देखो पेज 2 of 11, तो यहाँ पे अब हमने जाना नेक्स्ट पेज पे, लेकिन मैंने हर एक चीज़ यहाँ फिल नहीं की है क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बता रही हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे सिर्फ मेंशन करनी होगी। तो जैसे मैंने अपनी लोकेशन यहाँ पे मेंशन कर दिया, अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अब अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी होगी, 10th 12th आपने ग्रेजुएशन की है या मास्टर्स की है या PhD की है, जो भी आपकी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। 10th में आपके कितने परसेंट है, 12th में कितने परसेंट है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करके अदर डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, छोटा सा आपका एक टेस्ट होगा। जैसे वो आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। फिर आपके बस वो ज्वाइनिंग ही है, सीधा आपको फिक्स सैलरी इसमें मिलने वाला। जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए आपको अप्लाई करना है। आफ्टर दैट आपका इसमें 20 मिनट्स का एक एग्ज़ाम रहने वाला है। यहाँ पर आपकी कोई फ़ी नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, और जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है वो एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपका एग्ज़ाम इसमें रहने वाला है। उसके बाद आप जब अपना टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, आपको एक अपनी सेल्फी इंट्रो बनाकर भेजनी है, ठीक है, अपने बारे में वहाँ पर बताना है, वो सिर्फ यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको विद इन 7 to 8 days यहाँ पर HR की तरफ से रिस्पॉन्स मिलने वाला है। अब दो चीज़ें हैं, अगर आपके यहाँ पर सिलेक्शन हुई है तो डेफिनेटली आपको कॉल रिसीव हो जाएगी 7 to 8 days में। अगर उनको लगता है कि कोई भी आपकी एप्लीकेशन में डाउट है, हो सकता है आपकी छोटी से इंटरव्यू भी हो जाए, ठीक है, जो कि आपकी टेलीफोनिक ही रहने वाली है, बस उसी के बेसिस पे आपकी इसमें सिलेक्शन होने वाली है। अब जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी रिजेक्शन हुई है या फिर शॉर्ट लिस्टिंग भी नहीं हुई है, उनको तो आप सब सोच सकते हैं कि उनको कोई कॉल रिसीव नहीं होने वाली है। बट हाँ, इसमें अर्जेंट एंड इमीडिएट हायरिंग है, हर कोई आप में इसे अप्लाई कर सकता है। तो जो जो स्टेप मैंने आपको बताया उन स्टेप को फॉलो करते आपको अप्लाई करना है। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है या किसी तरह का डाउट है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगी। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। बाकी इस रिक्रूटमेंट के अलावा और भी बहुत सारे अपडेट आ चुके हैं चैनल पर। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड की है, एक कल एक आज, उसको जरूर से चेक करके आप अप्लाई कर लेना। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।